तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और मेरे साथ हैं इस बार रिजवान भाई, और हम दोनों आपस में आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। आप लोगों ने जो सवाल मेरे से पूछे हैं इस बीच में, उसके जवाब मैं इनसे मांगूंगा। क्या मैं आप लोगों के जवाब दे सकूं? इवन क्या जो आपने भी इनसे पूछा है मैं इनसे पूछूंगा, और ये जवाब देंगे जो मैं आपको देना चाहता हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन था कि हम एक पुरानी गाड़ी को रिस्टोर कराएं या ब्रांड न्यू बाइक खरीदें जो आज के टाइम की बाइक है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे को एक बाइक खरीदनी है, तो नई खरीदूं या पुरानी, मेरे पास एक बाइक है उसको रिस्टोर कराऊं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है, पुराना मॉडल 1980 का मॉडल है, ये 80 मॉडल और ये है 2014 मॉडल। तो दोनों में आप बताइए कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। ये ज़्यादा बेटर रहेगी बनाने पुरानी वाली। हाँ, पुरानी वाली गाड़ी में सबसे मेन, अब देखो इन्होंने कहा है कि पुरानी गाड़ी बनवाना ज़्यादा बेटर रहेगी, पर आप अपना अपना दिमाग लगाना, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। ठीक है, आप सिर्फ सुनो और समझो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पुरानी गाड़ी को अगर हम बनवाते हैं तो इसके अंदर हमने 80,000 रुपये लगाए थे हाल ही में, कुछ टाइम पहले। पर इसके अंदर आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले इंजन लीकेज मारता है, और ये मानते हो नहीं मानते, पुरानी हाँ, गाड़ी सबसे ज्यादा लीकेज हुई है। देखो यहाँ पुरानी गाड़ी को कितना भी बना लो उसके अंदर लीकेज रही जाती है ना। अगर कोई कहता है कि बिल्कुल मैं खत्म करके दे दूंगा, ऐसा नहीं है, तो वैसा तो हो नहीं सकता। इसके अंदर यहाँ से, यहाँ बेंजो पाइप से, काफी जगह से है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो है, पुरानी गाड़ी को रिस्टोर कराने में एक वाइट स्मोक उठाती है, और वही गाड़ी यहाँ पे इसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। इस पुरानी गाड़ी को जब स्टार्टिंग में सुबह सुबह जब स्टार्ट करते हैं तो ये वाइट स्मोक उठाती है, ऐसा क्यों? जबकि इसमें ब्लॉकेट, वाल, इंजन का सारा एवरीथिंग काम कर रखा है, ऐसा क्यों? कार्बोरेटर की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्बोरेटर भी नया डाल रखा था, और वाल सब नया डाल लगे, कुछ नया डाल लगा है, फिर भी सुबह फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं तो वाइट स्मोक उठाती है। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, सुबह सुबह का समय हो सकता है इंजन की भाप आती है, वही चीज हमारी इस गाड़ी में तो नहीं होता, वही है पुराने मॉडल की हुई ना ये। सच देखो, टेक्निकल हो, मैकेनिक हो, ये धुआं उठाया नहीं उठाया इसने? हाँ, जब उठाया। आपके सामने स्टार्ट करी थी, इसने धुआं उठाया था, उठाया है ना, क्यों आखिर? मतलब ऐसा क्यों? और कुछ टाइम के बाद फिर इंजन ऑयल खत्म हो जाता है इंजन में, वो सुबह सुबह ऑयल उठाती है ना यार, पिस्टन के ऊपर पसेब भी आता है, तब सुबह सुबह वाइट स्मोक मारती है। तो इसका क्या उपाय है? इसका उपाय क्या है? इसका समाधान ये है, या तो ब्लॉक किट डालो, लेकिन आपने ब्लॉक किट भी डाल रखी है, ये तो ऑलरेडी डाल रखी है। तो क्या है इसका उपाय? क्या है इसका उपाय? हेड है, हो सकता है हेड की वाल गाइड भी खराब हो सकती है ना वहाँ से भी। अब हेड कितने का मिलेगा? कम से कम 6-7 हज़ार, कम से कम 6-7 हज़ार का। हाँ, इतने का पड़ेगा। फिर सबसे मेन क्या चीज पसंद है आपको पुरानी गाड़ी में और नई गाड़ी में? इसका साउंड बढ़िया है ना, एक साउंड के चक्कर में अपने साउंड के चक्कर में। ठीक है, और आज के टाइम में क्या साइलेंसर के ऊपर वैसे ही बैन लगाए हैं सबसे ज्यादा साइलेंसर के ऊपर, इसलिए आदि पुराने मॉडल की गाड़ी पसंद करता है, क्योंकि इसको और बैन नहीं लगा सकता, कंपनी ने ऑलरेडी दे रखा। हमारे पास स्टैंडर्ड है नए मॉडल की, और इसके अंदर क्या चीज आपको जो लगता है कि यार ये बेकार है या ये नहीं लेना चाहिए? एक तो इसमें साउंड नहीं है नए मॉडल में, ठीक है, वो तो आज के टाइम में गवर्नमेंट ने बना दिया है कि PS4 रहना चाहिए, लेकिन साउंड नहीं है, साउंड की वजह से तो आदि बुलेट रखता है ना। पिकअप, पिकअप में कंपैरिजन क्या है तो पिकअप किस में अच्छा? पिकअप तो तगड़ा इसी में हुआ ना, है ना? और माइलेज किस में अच्छा है? माइलेज भी इसी का हुआ, और आंखें बंद करके कहीं भी ले जा सकते हो, कौन सी गाड़ी वो भी यही हुई। तो आप खुद ही सोच लो यार, जब इतना बेनिफिट मिल रहा है आपको तो किसे लोगे, किसे लेना पसंद करोगे? वैसे तो नए मॉडल की होनी चाहिए, पुरानी गाड़ी के अंदर एक खाली सिर्फ एक साउंड हुआ मेरी सोच से। मेरे पास एक भाई ने एक मैसेज भेजा था कि यार मेरी गाड़ी पुरानी मॉडल की 1980 के आसपास का मॉडल है, और उसके अंदर जो है लाइट की प्रॉब्लम है, मतलब लाइट कम है। हाँ। और उसकी लाइट बिल्कुल मरुई है, कहते हैं ना एक बत्ती जल्दी है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फीलिंग को समझो तो समझ लेना कि बत्ती जल्दी है, और इसी मुकाबले में अगर स्टैंडर्ड जो नई गाड़ी है उसकी लाइट इसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया हुआ ना इसका फोकस, फिर भी क्यों कहते हो ये लो गाड़ी? इसमें साउंड और चलाने में एक अलग ही फीलिंग होती है ना, एक साउंड, तब आदमी कहता है कि पुराने मॉडल ज्यादा बेटर है, हर जगह बन जाएगी, हर तुम कहीं ले गए नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, उसे बना लेगा ये गाड़ी, कहीं भी नॉर्मल मैकेनिक बना लेगा, नॉर्मल मैकेनिक बना लेगा, कोई भी, फिर भी तुम कहते हो इसको ले लो, तभी तो ये ज्यादा इसी हुई। अच्छा, इन दोनों में अगर मेंटेनेंस का मुकाबला देखा जाए कि खर्चा
ज्यादा किसमें और कम किसमें? ज्यादा खर्चा इसी का हुआ, उसका कम हुआ ना। इसमें खर्चा भी ज्यादा है, फिर भी तुम कहते हो यार मुझे पुरानी पसंद है। क्या है कि आदमी पुरानी को ज्यादा पसंद करता है, लेकिन मेरी जो खुद की पसंद है वो नई है, नई गाड़ी है। हाँ, तो मैंने तो फिलहाल स्टैंडर्ड नई वाली ले रखी है। अच्छा, आप लोग बताइए कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप मतलब पुरानी गाड़ी के शौकीन हैं और नई टेक्नोलॉजी पे, मेरे को तो भरोसा नई टेक्नोलॉजी पे है, पुरानी बढ़िया है, इवन मैंने खुद ही पुरानी गाड़ी से काम सीखा था और पुरानी बढ़िया है, बेस्ट नहीं है और बेस्ट नई बेस्ट नहीं हुई बेस्ट ही बेस्ट नहीं है, ये हमेशा बदलती आती है। तो ये बढ़िया हुई ना इससे ज्यादा, इसे कहीं भी लेके जा सकते हो भरोसे के साथ, इसे नहीं लेके जा सकते हो। पर पुरानी गाड़ी के अंदर देखिए, एक जो सबसे रियल प्रॉब्लम हर किसी के साथ फेस आती है, इंजन नॉइस की आवाज आती है। पुरानी गाड़ी के अंदर नॉइस की प्रॉब्लम बहुत कम रहती है, मानते हो? हाँ, है ना। और नई गाड़ी के अंदर नॉइस की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा है और उससे भी ज्यादा है। पिछले टायर की तरफ एक बार हम निगाह डालेंगे, वहीं से बस वहीं से दिखा देंगे। और देखिए ये चीज की प्रॉब्लम है, ये आपको दिख रहा होगा, ये किस चीज की प्रॉब्लम है? ये क्या है कि इसके कैची के बुश कट गए। ओके, और दूसरा चैन सेट बहुत जल्दी खराब, दूसरा चैन सेट खराब होता है। इसके पीछे क्या, ब्रेक्स भी ज्यादा खाती है। इसके पीछे क्या कहना चाहोगे? इसके लिए तो अब क्या कहें नहीं, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान अब चैन सेट डालते रहना चाहिए अब आदमी को, 20,000 चलने के बाद में। नई गाड़ी में भी है, ऐसा नहीं है कि खाली पुरानी गाड़ी खराब है, नई में भी है, नई में भी आती है ना। वो कंपनी फॉल्ट है ना, वो आप उसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर आप एक गाड़ी बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो पुराने मॉडल की रिस्टोर कराएं या नए मॉडल की खरीदें, इवन खर्चा एक ही बैठता है, खर्चा सेम ही हो। नई गाड़ी लोगे 1,30,000 रुपए की स्टैंडर्ड पड़ेगी, 80,000 रुपए इसे बनवाने में लगाते हो और 20-25,000 रुपए की गाड़ी लेते हो, तो फिर भी इसमें खर्चा लगा, इसमें उतना वो मजा नहीं आ पाता कितना ही पैसा लगा दो। अच्छा, आदमी को लगता है कि यार आज वहाँ खड़ी हो गई, मिस्त्री को वहाँ लेके जाना है, परसों पता लगता है वहाँ बंद हो गया। ये भी एक सच्चाई है। इस टॉपिक पे हम बात इसीलिए कर रहे हैं कि इसमें सच्चाई है, और ये आप लोग भी जानते हैं कि आप पुरानी गाड़ी में कितना भी पैसा लगा दें, आप 1 करोड़ भी लगा देंगे ना, तो फिर भी वेस्ट है ना। तो यही है आपका, अगर आपको पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी में डिफरेंस जानना था कि नई गाड़ी बनवाऊँ या पुरानी ही खरीदूँ, तो इवन आप समझ सकते हैं, अपना माइंड लगाइए कि आपको क्या करना है। देखो, पुरानी गाड़ी लोगे तो उसमें भी खर्चा है, नई गाड़ी लोगे तो उसमें भी खर्चा है ना। बिल्कुल। तो फाइनली लास्ट में, अगर आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हमारी आपसी बात जो थी, हमने आपस में डिस्कस करा, उसके बीच में अगर कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।